वीडियो में आपको कैसे सुनिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपने एक वाइंडर को हमसे परचेज करने के बाद इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि जब भी आप वाइंडर परचेज करते हैं ये सारे पार्ट इसके अलग होते हैं, तो आपने इसको खुद सेटिंग करनी होती है। किस तरह से करनी है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको ये बता दूँ इसके अंदर वो ब्लैक कितना डालेगा। वो काफ़ी फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि ये बताते हैं इसके अंदर वो ब्लैक डालना कौन सा और किस कंपनी का डालना है। व्यूवर इसके लिए वो ब्लैक आपने 10 या 9 लीटर आपने इसके अंदर मुँह लाया जाना है, बहुत अच्छा मुँह लिया लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो 105 या 110 रुपये लीटर मिलता है दाम वाला, आपने वो मुँह लाई सकते हैं यूज़ करना है। तो बाकी इसकी आपने सेटिंग से करनी है, क्योंकि वीडियो कॉल ऊपर मैंने काफ़ी फ्रेंड्स ने जिन्होंने ये मशीनें परचेज की थी लेकिन उनको वाजह समझ नहीं आई थी किस तरह से इसको सेल किया क्या करना है। तो आज इस वीडियो में मैं ये सोच रहा था कि आपको बता दूँ कि आपने इसको किस तरह से इसकी असेंबलिंग करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए व्यूवर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ब्लीडिंग का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इससे भी हम पहले भी ऑलरेडी इससे हमारे सेटअप चल रहे हैं, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी हमारे सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाइनर है, इसके साथ आपने इसकी असेंबलिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आप परचेज़ करेंगे। तो ये पहले मैं उठा लेता हूँ, इसके अंदर इसका मटेरियल होता है जो हमने लगाना है, ठीक है। ये हमने खुद से सेटिंग करनी होती है, क्योंकि वैसे हम लगा के भेजें तो डैमेज होने का काफ़ी इसका ख़तरा होता है, तो इसलिए ये आपने मामूली सा काम, इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है या कोई इतनी टेक्निक नहीं है। सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं नीचे टापा। इसमें क्या होता है कि आपने जब नलकियाँ बना लेनी है कर लेनी है तो इसके अंदर रखनी होती है, ठीक है। तो पहले हम ये लगाते हैं, पेज वगैरह सब कुछ साथ ही लगा हुआ है, जो जो आपने लगाना है इनको खोल के हम आसानी के साथ सेट कर लेंगे। तो आपने इन दोनों साइडों पे एक एक पेज यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जैसे हम इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद ये सारा मटेरियल इसमें से आपने निकाल लेना है। मटेरियल आपने इसे अच्छे तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि इसमें कुछ गाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, बाद में वो मसला बनेगा। ये आप शीट उतार लें ऊपर, ये नीचे पेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, आपने सब कुछ निकाल लेना, कोई चीज़ भी कोई पेज इसके अंदर रहने नहीं देना। अच्छे तरीके से कोई भी वाचल देखें आपके नज़र आ रही, कोई कुछ भी अंदर रहने नहीं देना, आपने सब कुछ निकालना है एक करके। इसके अंदर बस ये जो सिंपल आपको गराड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं ये रहें, बाकी सब कुछ आपने निकाल लेना है। और इसके अंदर मोबलैल आपने 10 लीटर डालना है, वेस्ट वाला जो भी मोबलैल होता है ना आपको ड्रम में मिलता है 105-110 रुपये के जो मिलता है आपको लीटर, वो वाला मोबलैल डालना हल्का सा। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया, दूसरी साइड में भी कुछ होगी आपने चेक कर लेना है। क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है, बाद में ये आपके वाइनर को ख़राब भी कर सकती है अगर इसके अंदर कोई एक पीस भी रह गया तो। तो ये आप देख लें निकाल लिए मैंने सब कुछ, अब हम इसको बंद करके अपना नेक्स्ट काम करते हैं इसकी फिटिंग का।
ये हमने लगा लिया। नेक्स्ट हम इसके ये ऊपर जो स्टैंड होते हैं जहाँ पे धागा रोटेट होगा और कुछ नलकियाँ वगैरह आपने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी किस्म का आपको हेल्प चाहिए मोल्डिंग के रिलेटेड या डाइयाँ तैयार करवानी हो या कोई सेटअप लगाना हो तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और हमारा फेसबुक पेज और ग्रुप वो भी सेव इसी नाम से है, के ग्रुप ऑफ कंपनी, उसका भी आपने विजिट जरूर करना है ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए व्यूअर हम ये स्टैंड को अब लगाते हैं, आपने किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे पेज लगाने के लिए दो सुराख मिल रहे हैं नीचे, और सेम यहाँ पे वाइनर में भी आपको दो सुराख मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने लगा देना। तो दूसरी साइड वाले भी आपने सेम इसी तरह उनको लगा के टाइट कर देना। यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह दो सुराख मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपने पेज वगैरह इनके ऐड कर देने हैं। तो ये हमने लगा लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके ऊपर भी एक स्टैंड लगेगा सबसे ऊपर, हम वो ऐड करेंगे यहाँ पे। आपने इसको भी लगा के साइडों के ऊपर पेज लगा देने हैं। ये भी बहुत सिंपल काम है, इसमें कोई टेक्निक वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं है। दोनों साइड वाले पेज लगा के आपने इनको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कॉमन सेटिंग जो नॉर्मल आपने करनी है। उसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें जो यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो आपने ध्यान से देखनी है, क्योंकि मेन काम ही वो है। तो चलिए हम चलते हैं। आपने ये जो आपको वाइट रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये चीज़, ये नलकी जो आपको पकड़ता है कंट्रोल करता है, इसको आपने काम पे लगाना है। ये छः होंगे, एक वाइंडर में आठ होते हैं, एक छः वाला होता है, ये छः वाला है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपने ऐड करने हैं। ये आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे छः लगे हुए, यहाँ पर आपने लगा के ये देखें, इसके भी एक सुराख है, एक वहाँ पर सुराख है, यहाँ पर आपने लगा के आसानी के साथ इसको पेज यहाँ पर ऐड कर देना। इसी तरह आपने ये छः हैं, छः के छः छः सुराख जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं उनमें इनको लगा देना।
तो एक यहाँ पे आपने तीसरा लगाना है, चौथा आगे, पांच आगे, छः, ठीक है, ये आपने ऐड कर देने, इसी तरह सेम तरीका लगाने का। ठीक है, मैंने ये लगा दिया छः के छः। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये हमने ऊपर लगाने हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से लगाने हैं। यहाँ पे ऊपर जो सुराख होंगे उसके ऊपर आपने, तो चलिए फ्रेंड्स ये हम ऐड करते हैं, ये रेड कलर का, ये भी आपको छः मिलेंगे। आपने इनके पेज पहले खोल लेने पे नीचे से, ठीक है, उसके बाद आपने इनको ऐड करना ऊपर। मैं पहले सभी के पेज है जो वो खोल लेता हूँ ताकि हमें लगाने में जल्दी हम इसको सेट कर लें। तो ये पेज मैंने खोल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे हम। यहाँ पे आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, छह सुराख है यहाँ पे भी, वहाँ पे आपने इनको ऐड कर देना। तो पहले व्यूवर्स आपने इसको ऊपर रख के नीचे से पेज लगाना आपने। और इस तरह से आपने इसकी फिटिंग करके इस पेज को टाइट कर देना नीचे से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है व्यूवर, इसमें भी कोई टेक्निकली इतना काम नहीं है। बस आपने एक बार ये वीडियो वॉच कर ली तो मुझे इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आप इसकी आसानी से खुद असेंबलिंग कर लेंगे। तो सेम इसी तरह आपने छः के छः यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो तकरीबन हमारा जो वाइनर इस वक्त तैयार हो चुका है। अब हमारा एक स्टेप रह गया है, वो मोटर लगाने वाला एक रह गया। वो मोटर इस वक्त मैं अभी परचेज़ नहीं की हुई, तो इंशाल्लाह वो कोई इतनी टेक्निक नहीं है, आप आसानी के साथ नीचे ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाश लाइन, ये वाली, ये आपने किस तरह से रखनी है। इसकी दो साइड है, एक ये उल्टी है, ये सीधी है। पहले आपने क्या करना है, इसको सीधी साइड से रखना है, ये देखें इस तरह से रखना है। फिर एक आपने इसके ऊपर उल्टी वाशर रखो, रखना है। अब देखें मैं इसको उल्टी रखूँगा इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आपने ये जो तकरीबन छः और छः 12 हैं, 12 के ऊपर रख लेने हैं टोटल, ये 24 वाश लें यहाँ पे आपको रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इनको यहाँ पे रखना है। तो बहुत ही फ्रेंड्स ये आसान तरीका, अगर आप वाइनर या इससे रिलेटेड कोई भी मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।